नमस्कार दोस्तों, सरपंच की कहानी जनता की जुबानी सीरीज के भाग 18 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ज्यों ज्यों हम गांव गांव का दौरा कर रहे हैं, त्यों त्यों भ्रष्टाचार की नई नई कहानियां, नई नई परतें उजागर हो रही हैं, सामने आ रही हैं। मिश्रिक ब्लॉक के हम जब इस भीखनपुर मजरे में पहुंचे, जो कि रामशाला ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है, वहां तो भ्रष्टाचार की एक नई कहानी देखने को मिली। दोस्तों, यहां प्रधान चेतराम हैं, लेकिन दिलीप जो उनका बेटा है, वो लोगों से अंगूठे लगवा करके और उनके पैसे अपने खाते में ट्रांसफ़र कर लेता है। वहीं ग्रामीण रोजगार सेवक शिव शर्मा, पंचायत सचिव रमाकांत पर भी लोगों ने मिलीभगत का आरोप लगाया। वहीं खंड विकास अधिकारी रामकुमार उपाध्याय कहते हैं कि जांच का विषय है। दोस्तों, कोई भी चीज़ यहां मानक के हिसाब से नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों का पैसा खा लिया गया, उसके साथ शौचालय में पैसा खाया गया, वहीं मनरेगा के पैसे तक ट्रांसफ़र करा लिए गए। दोस्तों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी राशन का भी यहां पर बहुत बुरा हाल है। आइए देखते हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त कहानी सीतापुर से संजय श्रीवास्तव, अमरीश श्रीवास्तव और रेखा गौतम के साथ। दोस्तों, आज की ये कहानी भारत के गाँव गाँव के भ्रष्टाचार को उजागर करती है। आइए देखते हैं सरपंच की कहानी भीखनपुर की जनता की जुबान। क्या नाम है आपका? सुधा। आवास मिला आपको? हाँ, मिला रहा है। 40,000 रुपया मिले रहा है और प्रधान हिंद ले जा अपने घर में अंगूठा लगवाए और सड़क का पैसा सब निकाल लें। 70,000 रुपया हमारे सब पैसा, हमका एक भी नहीं मिला। एक ही किस्ती मिली। कितने की थी? 40,000। उसके बाद वाले 70 और 10 बस सब चले गए। बिल्कुल अंगूठा आपका लगा? हाँ, हमारा अंगूठा लगा। पैसा ट्रांसफर हुआ? हाँ। और वो पैसा आपको सामग्री मिली? ना मिली, कुछ ना ना मिला। वो जितना 40,000 रुपये में मिला वो सब बना हुआ ना कुछ? बाकी सब तो बना है। हम तो भैया गरीब आदमी, हमारा सब ढकिला जाते रहे, तो ऐसी ऐसी सब दे मांगे मोगे तो देवाल तो उठवाई भाई। गरीबा भाई, गरीब आदमी कहाँ करे लगे, मजदूर भैया बात का पैसा सब खा गए। सब खा गए, अंगूठा लगवाए थे यहाँ। ये बात पंचायत सचिव जानते हैं? आपके सेक्रेटरी सब जानते, दुनिया जानते, इलाका जानते। हमारा नाम मोला। आवास मिला आपको? नहीं। प्रधान जी से कहा आपने? हाँ, प्रधान तेरे रोज हो जाते हैं, इतने सारे दिन दौड़ के हैं तो कहते रुपया कहाँ धरे हैं। अब आवास जब आई तब ले। कितने रुपए रिश्वत मांगी आपने? कितने रुपए रिश्वत मांगी? 10,000 पहले ही? हाँ, पहले। आपका सूची में नाम था? सूची में है ना, वो आवा तो है, अब पता है आवा है कि नहीं आवा पता। तो आपने पहले पैसा काहे ले लिया? कैसे कैसे दिया पैसा आपने? कुछ बेच के दिया? फसल बेच के आवा सब है आए जाए जी, और ये रुपया दे दो। और हमारे घर में आदमी नहीं रहा है और लई गवा चुपके तेने लई गवा दो तीन जने गवाह तो मजबूरी में कहा जी जी जी। घर में छत नहीं थी इसके लिए 10,000 रुपए। हाँ, लई गया आपसे। दिलीप ले गया कि चेतराम ले गए? दिलीप ले गए। 10,000 दिलीप और राजू और सिपाही। हमारा नाम मोहिनी, देर का नाम छोटेला, ससुर का नाम बुद्धा। अच्छा, आपको आवास मिला है? हमका बेटा पहले मिला था राम विलास प्रधानी में, वो खड़ी आवास हमको, तो हमको नहीं मिली, मेरे देवर को मिली। कितने की मिली थी आवास? आवास कितने वाली थी पहले? नहीं, अभी जो मिली है 1,20,000 जी। तो कितना पेमेंट आपका पास हुआ है? 1,00,000। 1,00,000? हाँ, 20,000 ले लिया। किसने लिया है? दिलीप ने लिया। दिलीप कौन है? चेतराम प्रधान का लड़का। अच्छा, और लेबरी का पैसा मिला है? मिला है। कितना मिला है? 10,000। 10,000 आवास मिला, लेकिन रुपया कितना मिला? 1,10,000। 1,10,000 और बाकी पैसा क्या हुआ? बाकी पैसा अब उते मतलब जॉब कार्ड मजदूरी वाला नहीं रहे जी जी, तो उससे रुपया मतलब दूसरे जॉब, जैसे जॉब कार्ड हमारे बना है तो खाता दूसरे लगाए की यहाँ निकलवा ली है। वो हजम कर गए? हाँ, वो हमें रखी है डिटेल, निकराई कागज रखे हैं। मतलब पैसा जो मजदूरी का आता है हाँ, वो आना चाहिए था, लेकिन वो प्रधान जी के ही माध्यम से दूसरे लोगों को हाँ, मिल गया। हाँ, वो ये है गुलाब मनरेगा के तहत। हाँ, वो गुलाब गंगा देई हैं, रमेश तेजपाल हैं, ये काफी लोग हैं। गाँव के ही की वहाँ रामशाला के हैं? ग्राम सभा के। आपकी ग्राम पंचायत के लोग हैं? तो आपने पंचायत सचिव से नहीं बताया जो आपके सेक्रेटरी साहब हैं रमाकांत जी? अरे बताया तो वो भी मिले जुले हैं, रमाकांत सेक्रेटरी हैं। और अच्छा, दिलीप प्रधान है कि चेतराम है? प्रधानी तो दिलीप ही कर रहा है, वो बाप बेटे दोनों हैं। अच्छा अच्छा, बाप बेटे दोनों हैं। तो यानी कि आपकी मजदूरी सारी पी गए? हाँ, ये शिव शर्मा और
शिव शर्मा भी इसमें संलिप्त हैं क्योंकि हाँ, मजदूरी वही के अंडर में आती है मनरेगा। इसमें चार पांच लोग हैं। अच्छा हाँ, शिव शर्मा पंचायत मित्र हैं यहाँ पे, रमाकांत पंचायत सचिव हैं और प्रधान चेतराम हैं, लेकिन प्रधानी दिलीप की ही ज्यादा चलती है, उनका लड़का। सही कहना, सही कह रहे हैं आप। 16,000 रुपए आपके चले गए? नहीं, 25,000 रुपए हमारे। 25,000 रुपए हमारे। नाम क्या है? नाम श्री जय राम। पिताजी का नाम? श्री गंगा राम। छप्पर डारे हैं, वहाँ पल्ली डारे है, हमारे कॉलोनी रहा है, हमका दर्शन नहीं मिलते हैं ना हमारे कॉलोनी। कॉलोनी आपकी कट गई? हाँ, कट गई भैया। क्या कहता प्रधान? रिश्वत मांगता? हाँ, कहते कि हमारे का जेब में रखी है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गंगा देवी। गंगा देवी। पति हैं आपके? हाँ। वो क्या करते हैं? वो ऐसा करते हैं, काम धंधा। उनको जॉब कार्ड उनका बना हुआ है? जॉब नहीं बना है। जॉब कार्ड नहीं बना है। राशन मिलता है? राशन नहीं मिलते हैं, चैत तेरा नहीं मिलते हैं। चैत से राशन नहीं मिला है। प्रधान को आवास के लिए कहती हो तो क्या कहते हैं? कहते हैं कहाँ मेरी जेब में रखी है, तो आप देख लो कि हम बनाई बात घुमा जिसे हम बताई जाए अधिकारी किस तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं। हाँ। रामशाला ग्राम पंचायत के ग्रामीण प्रधान चेतराम नहीं देते ध्यान। हमारे सबसे पहले आपको राशन मिलता है? राशन कितने लोग हैं घर में? सदस्य कितने हैं आपके? 7 लोग। राशन कितने लोगों का मिलता है? पाँच का। क्या कहते हैं प्रधान जी? क्या कहा है प्रधान? का करेंगे क्या? जब कटा वाले नहीं दे तो प्रधान का करेंगे? आप बताएं। आप बताइए। चार यूनिट है, 2 यूनिट देते हैं। 4 यूनिट है, कोड़ेदार आपको 2 यूनिट देता है? 2 यूनिट देते हैं। आप माता जी बता सकती हैं? राशन मिलता है? हमारा अलग कटा है, कहती है वहाँ पे तो क्या कहता है कोटेदार? क्या वो नट काटे हैं? कार्ड पड़ते हैं, वो नट 2 कटे हैं। यूनिट काट गए? हाँ। कितने यूनिट है आपके? हम 4 लड़का हैं, 2 बेटियां हैं, 2 लोग हम। 6 यूनिट थे? हाँ। और केवल 2 बचे हैं। हाँ, 2 बचे। माता जी आपको कॉलोनी जो मिली थी उसमें क्या हुआ बताएं आप? कॉलोनी मिली थी सर, वो पैसा खा गए। कौन खा गया? प्रधान। कितने रुपए? वो 70,000 का आवास आवा था। वही 70,000 का आवास नहीं आता है, 1,35,000 1,35,000 का आवास है जी। उसमें 40,000 पहले मिले थे जी, उसके बाद में 70,000 ट्रांसफर करो। इरहन पैसा कहाँ ट्रांसफर कराया था? वो दिलीप अपने दुकान पर। अच्छा ठीक जी। और भट्टा पर। फिर उसकी सामग्री आपको मिली? ओके, कोई ना कोई साहब नहीं मिला। 70,000 वो डकार गए, यानी कि 40 वो 70 वो, तो 70,000 उसके बाद के जो पैसे आते हैं इसकी लेबरी आती है वो कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला। वो का कुछ नहीं। जब आपने अपने उससे प्रधान से या पंचायत मित्र से कहा तो क्या बोले? तो उन्होंने कहा कि चलो हम लगा देंगे, तुम्हारा पैसा आ जाएगा। अब तो प्रधानी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, आप क्या बोलते हैं? अब साहब वो कहते हैं कि हमारे पास जो हम लगा दिया अब आया या न उसका जिम्मेदार आप हो। आप पंचायत सचिव के पास गए अपने सेक्रेटरी के पास? हाँ गए। तो सेक्रेटरी रमाकांत जी क्या कहते हैं? वही साहब यू कह रहे हैं कि उनकी कोई खजाना है, उनकी कोई लाभ ना है, लाभ खाली प्रधान के। प्रधान की? हाँ, चेतराम की। चेतराम के। चेतराम ने पैसा दिलीप के खाते में ट्रांसफर कराया है कि कोई फर्म के नाम? उनका कहा नाम रामखिलावन। रामखिलावन के, राम खिलावन के नाम खाता। तो इसकी आपने उच्च अधिकारियों से कोई शिकायत नहीं की? शिकायत किया मगर जाँच वाँच आई, मगर साहब वो एक बार आई थी जान, अभी हो गए 1-1 महीना हो गए है ना, वो आई थी जानकारी जी। उसके बाद में फिर ये दिलीप भर कुछ अपन पैसा से दे के उसके बाद में। किसके नाम से आवास था ये? हर नाम। हर नाम का। पिताजी का नाम? उनके मेजर निवासी बिकनापुर। यहाँ पे कोई सरकारी बिल्डिंग नहीं है? कोई बिल्डिंग नहीं है। ना ही आपको बनवाया गया है आपका ये जो होता है बारात घर, कुछ नहीं। ना ही यहाँ पे आपका सामुदायिक भवन है, नहीं है। ना ही पंचायत घर है, कुछ नहीं है। तो बेटियों की शादियां होती हैं, बाराती वगैरह कैसे क्या मैनेज होती है? ऐसे आते हैं यहाँ ख्यातन बागन में ऐसे डार दें जाए, खरियाना में नंगे लुच्चे में यहाँ का करें? प्रधान जी नहीं ध्यान देते कि पंचायत भवन या कोई बनवा दे यहाँ पे? विद्यालय भी नहीं, बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं? बच्चे रामशाला जाते पढ़ने हैं। आप बताएं कैसे क्या होता है यहाँ पे जब बारात वगैरह आती है, कहाँ रुकते हैं बाराती लोग? यही
किसी खुले मैदान इधर उधर मतलब टेंट वेंट लगा देते हैं, इसमें कोई विकास नहीं हुआ। रामशाला में तो दो तीन दो दो विद्यालय बने हुए हैं, लेकिन आपके इस मजरे में नहीं बन पाए। यहाँ तो कई बार हुआ है ऐसा, तो बनने के लिए एक बार बनवा रहे थे लेकिन दूसरे लोग खींच ले गए इधर उधर। ये जहाँ पे हम खड़े हैं ये कैसी जमीन है? यहाँ लग चुका है एक बार बनने के लिए, बन गया है, बनेगा यहाँ, तो सरकारी जमीन है। बाबा जी क्या नाम लिखते हैं आप? हमारा नाम लोखेलाल। कुछ सरकारी योजनाओं का लाभ पा रहे हैं आप? कुछ नहीं सर। पेंशन वगैरह भी नहीं मिलती? कुछ नहीं। राशन गल्ला वगैरह घर में आता है? घर में लड़का बाबू तो नहीं बन आप भोजन यही कहते हैं मिल जाएगी मिल जाएगी, कब तक मिल जाएगी यही बताते हैं, मिल जाएगा। जॉब कार्ड बना है आपका? जॉब कार्ड नहीं है, अब बता रहे थे शिक्षा मित्र बन गया है, अब पता नहीं बना है या नहीं बना है। तो ये टीन के नीचे अपने मतलब बरसात गुजारती है? यही में बच्चे अपने रखते हैं, तो इसमें बीबी रहती है, हम रहते हैं। क्या परिवार कहाँ गया है? परिवार उधर है, आप दिखाते हैं किस तरीके से गुजर बसर करते हैं भिखनापुर के ग्रामीण। मिल रहा था दो बार मिला, तीन बार मिला है, एक बार यहाँ दिया, दो बार वहाँ गौरिया में दिया, और कोई राशन नहीं मिला मेरे को। राशन भी नहीं मिलता? कोई जॉब कार्ड बना है आपका? जॉब कार्ड है जी। तो रोजगार कितने दिन पाया उस पर? कुछ नहीं मिला, केवल 2000 रुपये जो आते हैं मोदी वाले वो मिलते हैं खेती वाले, और बाकी कोई रोजगार नहीं। कोई रोजगार।